ये ड्रग का जो एक पिटारा खुला है, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हमें तो जाना था जापान, हम चीन पहले क्यों आ गए? हम सुशांत सिंह के हत्यारे को ढूंढने निकले, अब हम नशेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। तो जिस दिशा हम निकले थे, पहले हमने जिस मुद्दे को लेके निकले, जिस बात को हम लेके निकले थे, जिस बात को लेके इतना आक्रोश था, जो जंग हमने छेड़ी थी, जो आवाजें हमसे जुड़ी थी, सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस, वो पहले चाहते हैं कि सुशांत का हत्यारा पकड़ा जाए। ये बातों को इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है? सही है, ड्रग जो हो रहा है बिल्कुल खराब है, गलत है, इसका विनाश होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी नस्ल को खराब कर देगा, पूरी हमारी इंडस्ट्री को खराब कर देगा। लेकिन हम जिस बात को लेकर निकले थे, उसको क्यों दरकिनार कर दिया? हमें क्यों भ्रमित किया जा रहा है? हमें क्यों गुमराह किया जा रहा? आप हमें बताइए, पहले सुशांत को किसने मारा? ये मेरी पहली आवाज थी और आखिरी आवाज तक यही रहेगी। ये बातें थाली गाली घर वाली चाय प्याली ये सब होती रहेगी। लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री में ये आवाज उठी है, ये भी होना चाहिए। इंडस्ट्री की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई थाली में छेद करने वाली बात नहीं। कुछ लोगों ने ये आवाज इसलिए उठाई क्योंकि ये अब एक मेनेस की तरह बढ़ रहा है, पूरी इंडस्ट्री में छा रहा था। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल हरगिज से इत्तफाक नहीं रखता हूं कि 99% लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट है। इतने तमाम लोग, इतना बड़ा हुजूम, क्या सब नशेड़ी है? तो काम कौन करता है? अच्छी फिल्में कौन बनाता है? कैसे बनती है? इतना अच्छा अभिनय कैसे हो जाता है? नशे में होता है, फिर तो बड़े दुख की बात है। तो किसी के पास हुनर ही नहीं, सबको नशा करना है, एडिटर को नशा करना है, कोरियोग्राफर को नशा करना है, हेयर स्टाइलिस्ट को नशा करना है, मेकअप मैन को नशा करना है, सबको नशा ही करना है। जो बेचारे जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, जो पता नहीं कितना 100 200 रुपए कमाते हैं रोज का, क्या वो नशे में उड़ा देती है? ये सब गलत है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का एक सिलेक्टिव आउटरेज भी बहुत गलत है कि कुछ मामलों में तो उन्होंने आवाज उठाई, कुछ मामलों में आवाज ही नहीं उठाई। इसलिए ये होता है कि सुशांत जब गया, आपको खरोंचे लग जाते हैं, शूटिंग में आंख में चोट आ जाती है, तो ट्वीट पर ट्वीट ही अपना ख्याल रखना, ऐसे कैसे कर लिया, वैसे कैसे कर लिया, बॉडी डबल इस्तेमाल किया करो, पूरी इंडस्ट्री तुम्हारे साथ है। और एक लड़की की जान चली गई तो वहां कोई ट्वीट है ही नहीं, वहां कोई बात है ही नहीं, लेकिन ड्रग पे आई बात तो सब लोग खड़े हो गए। ये थाली जो है, ये तो एक रूपक है, ये एक मेटाफोर है, ये कहने वाली बात है कि जिस शाख में बैठे हो शाख को मत काटो, लेकिन अगर शाख अगर सड़ गई है तो शाख को काटना तो जरूरी है, नई शाखें और निकल आएंगी। तो थाली में कुछ छेद नहीं कर रहा, थालियों में छेद हो नहीं सकता, इस बात की बनी है ये थालियां। वो गंदगी जरूर आ गई उस गंदगी को साफ करने के बाद हो रही है। तो इतना आवेग और इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं थी। और ये बात तो क्या है, हर जगह विवाद की जरूरत नहीं है, बातें कभी संवाद से भी ठीक हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि गाली गलौज पे उतर आए, किसी को कोई दे, किसी को दे, करते। अमिताभ बच्चन से लोग नाराज हैं, वो उनका इख्तियार है, वो बोले ना बोले, बोलते तो बहुत अच्छा था क्योंकि लोग उनको बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको एक भीष्म पितामह का दर्जा दिया, वो कहते तो इस केस का रुख बहुत पहले ही बदल गया होता। लेकिन अगर वो नहीं कहते हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन उनको कहना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको कहना चाहिए, हर मामले में कहना चाहिए, या फिर हर मामले में सबको चुप रहना चाहिए। ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है, किसी को चीज को लेके बोलना, किसी चीज को लेके चुप रहना, वो सारा कुछ जो है वो संदेहास्पद हो जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के चैनल वालों से भी दरख्वास्त करता हूं, लोगों से भी, कि इस बात को जो भटकाया जा रहा है उस प्रचंड प्रवाह में न बहें। ये जो बवंडर जो लहरा रहा है अचानक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, उसको रोकें। ये इंडस्ट्री बहुत लोगों की रोजी रोटी का ख्याल रखती है, बहुत को काम देती है, काम छीनती है, काम देती है। कोई और ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए, रातों रात या एक शुक्रवार इंसान की तकदीर बदल देती है।